गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ब्रेथ। आई रमनदीप कौर कमेंड टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनक्रेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टू ऑलवेज वियर अ मास्क फेस कवर especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Students, aaj assi sunehri boli pustak de 4th चैप्टर तंदुरुस्ती कविता जो कि आपने हाफ कर ली सी बच्चे, जिस दे विच ये दस्या गया सीगा कि सानू अपनी तंदुरुस्ती सेहतमंद रहने लई सानू की करना चाहिदा है। सानू खेडना चाहिदा है, हसना चाहिदा है, ते रोगां तो बच के रहना चाहिदा है, ते सफाई रखनी चाहिदी है, ते कसरत करनी चाहिदी है तां जो असी अपने शरीर नू तंदुरुस्त रख सकीए। ठीक है बच्चे, अज असी इस तो अगे करांगे। नेक्स्ट है बच्चे, कमरा होवे साफ सुथरा रखो चीज टिकाने। टिकाने का मतलब होंगे बच्चे अपने अपने थान पर रखना। इस दसया गया है बच्चे कि कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो हर एक चीज़ को टिकाने पर रखना चाहिए है। धुप चानना अंदर आवे, खुशियाँ हर कोई माने। चानन का मतलब होंगे बच्चे रोशनी, कि कमरे के धुप रोशनी सब कुछ अंदर आनी चाहिए, तो खुशियां मानना चाहिए है। हरेक बीमारी तो बचते खेड करा जाते। ठीक है बच्चे, भी इस दसाया गया है कि वह सारी बीमारियों तो बच्चे बचते हैं जेडे कि खेड के खूब खेड के घर जाते हैं। मन चित ला के कर पढ़ाइया वेले सर ही खाते। ठीक है बच्चे, इस दसया गया है कि मन चित ला के भी अपना मन लगा के दिल लगा के सारे पढ़ाइया करते हैं। वेले सिर का मतलब की होंगे बच्चे, समय सिर ही अपना भोजन करते हैं। हरे पत्तिया वाली सब्जी खाओ शाम सवेरे। ठीक है बच्चे, कि सानू खाने हरे पत्तिया वाली सब्जी खानी चाहिए है, जिस ना साड़ा शरीर बढ़िया रहे, तंदुरुस्त रहे, तो शाम सवेरे खाना चाहिए है। फल रुत दे सारे खावो, विटामिन विच बथेरे। रुत का मतलब होंगे बच्चे मौसम, तो इस दसाया गया है कि सानू सारे फल खाने चाहिए हैं, क्योंकि उन्होंने विटामिन बहुत होंगे है। बथेरा का मतलब की होंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चे, ये अपनी कविता तंदुरुस्ती, जिस दे विच कवि सानू ये दसदा है कि जे तुसी तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो संतुलित ते थोड़ा भोजन खाना चाहिए है, ते शाम सवेरे कसरत करनी चाहिए है, ते अपने शरीर की घर की ते चौगिदरे की सफाई रखनी चाहिए है, ता जो असी तंदुरुस्त रह सकीए। नैक्सट है बच्चे, शब्द अर्थ। प्रसन्न का की अर्थ होंगे बच्चे? खुश। रोगां बीमारियां कीमती बहुमुला चुस्ती फुरती चानन रोशनी सोहनी सुंदर। सदा का की अर्थ होंगे बच्चे? हमेशा। तंदुरुस्ती चंगी सेहत। वेले सिर समय सिर। रुत मौसम। ठीक है बच्चे, ये अपने शब्द अर्थ। नैक्सट है बच्चे प्रश्न उत्तर। फस्ट है बच्चे, सानू खाना कितना को खाना चाहिए है? सानू अपनी भुख के मुताबिक खाना खाना चाहिए है। भुख के मुताबिक का की मतलब होंगे बच्चे? सानू भुख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए है। नैक्सट है बच्चे, कसरत करन नाल शरीर ते की असर पैंदा है? आंसर है बच्चे, कसरत करन नाल शरीर तंदुरुस्त रहिंदा अते बीमारियां तो बचिया रहिंदा है। ठीक है बच्चे, कि कसरत करन दे नाल साडा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है, तो बीमारियों तो बच के रहिंदा है। थर्ड है बच्चे, सेहत किहो जिहा गहना है? आंसर है बच्चे, सेहत एक बहुत कीमती गहना है। फोर्थ है बच्चे, बीमारी तो कौन बच सकता है?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। ਸੋਹਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਸਰਤ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਫਲਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਬੱਚੇ।